मैं सुबोध कुमार डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मेरी बीमारी लीवर पेन से शुरू हुई, जो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मुझे जॉन्डिस था। जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के दौरान लोकप्रिय हॉस्पिटल में उन्होंने सीटी एब्डोमन कराया, जिससे उन्होंने सस्पेक्ट कैंसर को सस्पेक्ट किया। उसके बाद में मेरे घर वालों को भी पता चला, इस बारे में पूरे परिवार को पता चला। वो सभी निराश हो गए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी समझी जाती है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। तो इसके बाद में फिर हमने सब ने सलाह करने के बाद में धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में हम आए, जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया कि ये कैंसर कोई लाइलाज नहीं है और इसका इलाज है। उसके बाद में उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया, हमें सही सलाह दी और इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराने के बाद में 19 मार्च 2018 में उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। फिर ऑपरेशन के बाद में उन्होंने मुझे कीमो की सलाह दी, जो मैंने 8 कीमो इसी हॉस्पिटल में कराई है। उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा वेट भी गेन हो गया है, सभी कुछ ठीक है। और उसके बाद में मैं बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस करता हूँ, अपने घर के सारे कार्य ठीक ठाक से करता हूँ, कोई परेशानी मुझको नहीं हुई है। बीच बीच में डॉक्टर से कंसल्ट करता रहता हूँ, जो उन्होंने मुझे एडवाइज़ किया हुआ है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कैंसर कोई लाइलाज नहीं है, अगर आपको सही सलाह और सही जगह मिले तो ये एक इसका आसान ट्रीटमेंट है, जैसा कि मेरे साथ में हुआ है। और मैं तो अपने डॉक्टर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे सही सलाह और सही इलाज दिया, और उसके कारण आज मैं एक दूसरी ज़िंदगी जी रहा हूँ।